कीजिए और कम कीजिए। ठीक है। हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो है दिवाली के दिन की। तो जब से पता नहीं मैंने कब से शुरू किया था ब्लॉग, पता नहीं, और अभी मैं कर रही हूँ अपने बेडरूम की क्लीनिंग। तो बेड को भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, कपड़े से पोछ लिया है गीले कपड़े से, और उसके बाद साइड साइड का भी मैं सब साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद ये मुझे काम इसका साफ़ करना था ड्रेसिंग का, और ड्रेसिंग की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। ऊपर से तो मैंने कर लिया था, लेकिन साइड साइड के जब उसके बॉक्स खोले तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मम्मी जी की चीज़ें हैं, तो फिर अंदर वाला मैंने नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पर रहती नहीं हूँ। तो मम्मी जी के कुछ जो भी सामान है वो अंदर पड़े हुए हैं, तो मैंने देखा ना ये ख़त्म था, फिर इसको मैंने निकाल दिया एंड सोचे कि चलो साइड वाला बॉक्स छोड़ देती हूँ, बाकी ऊपर ऊपर से कर देती हूँ। नीचे वाले बॉक्सेस में सारे मेरे सामान हैं, तो उसमें की सफाई मैं अभी करूँगी। तो उसको मैं एक साइड में तो सारे मेरे जो शादी वाले बैंगल्स थे ना, मतलब लहंगा के विदाई वाले, ये सारी चीज़ें वो वाला बॉक्स एक वाले बॉक्स में, मतलब है तीन चार बॉक्स करके, और बीच वाले में कुछ ऐसे मेरा कॉस्मेटिक्स, हेयर पिंस वगैरह ये सब पड़े हुए हैं। एंड ये हो गया था दोपहर का टाइम, करीबन 2 बजे के आसपास का टाइम था। मैं नहा धो ली थी, नहा धो के अभी आई हूँ, और थोड़ा बहुत जो भी सिंदूर बिंदी ये सब लगाना था वो लगा रही हूँ। ये अभी कर रहे हैं शेविंग, और इस पर साइड में सोया हुआ था, साथ ही मैं अभी लगा ले रही हूँ अभी थोड़ी सी लिपस्टिक। और अभी मैं बनाने लगी हूँ रंगोली, तो स्टार्टिंग मैंने कर दिया था, और ये कल ही मैं रात में जब गई थी ना तो सारे कलर्स लेके आई थी रंगोली बनाने के लिए। तो वाइट वाला मेरे को लगाने की एक पैकेट और रहता तो सही रहता, पिंक मैंने 2 लिया था बिकॉज मुझे पता था कि पिंक ज़्यादा लगने वाला है। तो उसके बाद ये हाफ बना ली थी, मैं सोची थी कि छोटा सा बनाऊँगी, छोटा करते करते ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, और मतलब इतना ही छोटा मैं सोची थी, इससे ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं करना है क्योंकि पता है बड़ा बनाऊंगी ना फिर ये दोनों स्पर्श और वर्तिका दोनों मिलके और इसको बिगाड़ देंगे, मुझे पता था। तो इसीलिए क्योंकि इन दोनों की निगाहें ना मतलब बार बार ये आके हाथ वो किए, और ये अभी आधा ही बना, ये लास्ट ही था बनाने का। तो ये दोनों देखिए यहाँ पे बैठ के चेयर पे बैठाई हूँ कि आप दोनों चेयर पे बैठे रहो और मैं बैठ के बना रही थी। ये थे नहीं, ये बाहर गए हुए थे, कुछ सामान लेके आना था, पापा भी यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बस ये मेरा फाइनल है, फाइनल बना रही हूँ अभी लास्ट जो भी मुझे डिज़ाइन करना था मतलब राउंड के साइड में वो मैं कर लूँगी। उसके बाद बस ये शाम का टाइम जैसे निकलने ही वाला था, 4:30-5 बजे के आसपास का कुछ टाइम था। और ये पटाखे खरीद के लाए इस टाइम, आपके लिए क्या आया स्पर्श? फुलझड़ी है, ये है, और पता है फुलझड़ी है, ये देखो रॉक है, ये देखो स्पर्श रॉक है, क्या है ये फुलझड़ी, और ये क्या है, ये क्या लिखा ओनार, और ये क्या है चक्री, इसको चक्री बोलते हैं, चक्री देखो क्या है चक्री, देखो मामा चक्री है, और ये स्पर्श, ये देखो ये क्या है रॉकेट, और ये क्या है फुलझड़ी, और ये क्या है अनार, तो गाइज अभी शाम का टाइम हो चुका था, हम लोग तैयार वगैरह हो गए थे, और पता है उसके बीच में कोई भी वीडियो शूट ही नहीं की, टाइम ही नहीं मिला मुझे। उसके बाद यहाँ पे पूजा जहाँ करना था यहाँ पे सारा कुछ मैं अरेंज कर रही हूँ, बाकी कलश वगैरह मैंने रख दिया है। पूजा हमारी शुरू हो चुकी है, मूर्ति स्थापन वगैरह, लक्ष्मी गणपति बप्पा की मूर्ति, और यहाँ पे हमारे घर में इकट्ठे दिए जलते हैं, तो वो यही लोग घर के जो जेंट्स होते हैं ना वहीं जलाते हैं हमारे घर में, तो ये लोग जला रहे हैं। बाकी जो पूजा वगैरह है लक्ष्मी पूजा वो मैं करूँगी, और हर साल जब से मेरी शादी हुई तब से मैं अपने ससुराल में ही दिवाली मनाई हूँ और हर साल पूजा की हूँ। और यहाँ स्पर्श बैठ के देख रहा था, और पता है स्पर्श के साथ क्या हुआ, स्पर्श का ऐसा था ना कि वो मतलब रोना चालू कर दिया जब से पूजा यहाँ पे बैठे लो ना अरेंज करने के लिए पूजा वाले सामान, उस टाइम से वो रोने लगा था क्योंकि यहाँ पे लड्डू का डब्बा था, और बस उसको काफ़ी टाइम से स्वीट्स मिला भी नहीं था, देखिए यहाँ पर रो भी रहा है उसी के लिए कि मुझे स्वीट्स दे दो स्वीट्स दे दो। मैं बोली कि पूजा कर लेते हैं उसके बाद आपको स्वीट्स मिलेगा,
लेकिन वो एकदम से ही नहीं मान रहा था, बिल्कुल नहीं मान रहा था। सब लोगों ने उसको मना किया, फिर बोले कि उसमें से ही निकाल के साइड कर देते हैं और कुछ चढ़ा देंगे और कुछ स्पर्श को दे देंगे। अभी भी देखिए फूट फूट के वो रो रहा है, और वर्तिका बोल रही थी कि दे दो भाई को, दे दो बाबू को, दे दो स्वीट्स दे दो, वो ऐसे बोल रही थी। बस हमारी पूजा अभी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है, आरती वगैरह करना था अब वो कर रहे हैं, और बस यहाँ पे मम्मी जी उसके बाद हम लोगों ने आरती कर लिया था, मैं और ये, उसके बाद मम्मी और पापा कर रहे हैं, उसके बाद मीना करेगी। और हमारे घर में कम लोग दिख रहे होंगे क्योंकि मैं ही सिर्फ आई हुई थी, मेरी बीच वाली देवरानी देवर वो नहीं है और मेरे छोटे देवर भी नहीं हैं। क्यों नहीं है वो आगे आप लोगों को पता चलेगा ब्लॉग्स में। तो बस यहाँ पे आरती हमारी हो चुकी है, उसके बाद बस सारे रूम में अभी ले जाके आरती दिखाऊंगी, और क्योंकि ये सारी पूजा जो भी होती है सारे रूम में भी ले जाना चाहिए। और बस ये हमारे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति है, और बाकी चारों तरफ हमने फ्रूट्स वगैरह जो भी है मिठाइयाँ वो हमने चढ़ाई है। और ये भी आ गई थी मैं मीना के रूम में, उसके बाद सारे रूम में मैं आरती को दिखा दूँगी। और जैसे मैं बाहर आई, यहाँ पे देखिए रंगोली आधा बिगड़ चुका है, पता नहीं किसने किया, पता ही नहीं चल रहा था। वर्तिका के हाथ में भी नहीं लगा था, स्पर्श के हाथ में भी नहीं लगा था, और दोनों के पैरों में भी नहीं लगा था, पता नहीं कोई चीज़ से इन लोगों ने कर दिया था। जैसे मैं सोची ना कि चलो रंगोली देख लेती हूँ, वो बिगड़ चुका था आधा, और आधा जो बिगड़ा था वो दूसरे दिन सुबह ये पूरा साफ़ हो गया। तो बस यहाँ पे ये ब्लॉग ना मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, मैंने बहुत ही कम वीडियो शूट किया है, दो तीन दिन जो भी हो। और उसके बाद बस हम लोग प्रणाम कर ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने रखी थी, पैसे से लेके ज्वेलरी जो होती है, मैं हर साल अपनी ज्वेलरी रखती हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मम्मी जी भी बैठी हुई थी, मीना वीडियो कॉल पे मेरे छोटे देवर से वर्तिका की बात करवा रही थी, तो वो अपने पापा से भी बात करने में लगी हुई थी। एंड उसके बाद यहाँ पे पकौड़े वगैरह भी बन चुके हैं, तो मम्मी उसको गर्म कर रही थी, गर्म करके और फिर सब लोग खाएंगे। और हमारे घर में कढ़ी बनती है, कढ़ी चावल बनते हैं, पकौड़े बनते हैं, पूड़ी बनती है, और हम जिमीकंद होता है ना ओल जिसको बोलते हैं, उसका चोखा ज़रूर बनता है आज के दिन। तो यही सारा कुछ खाना भी बना हुआ था, बस अभी कढ़ी बनानी थी। उसके बाद ये सब करने के बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने फ़ोटोशूट किया, एंड छत पे आ गए थे फुलझड़ी वगैरह जलाने के लिए। मैं बहुत ही कम जलाती हूँ, मैं नहीं जलाती हूँ, स्पर्श जला रहा था, और फिर अनार था, फुलझड़ी थी, और चकड़ी जो फर्श पे ऐसे ऐसे गोल राउंड राउंड घूमती है ना वो वाला था, यही सारी चीज़ें थी। तो बस हम लोग अभी छत पे हैं। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसके आगे दिवाली के दूसरे दिन मैंने मॉर्निंग टाइम ब्लॉग शूट किया था, एंड उसके बाद मैंने ब्लॉग ही शूट नहीं करी, मैं भूल ही गई थी कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करना, जल्दी आने वाला है।